हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशी मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। रबीउल का महीना है, हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें सिखाती हैं कि हम ईमानदारी और दयानतदारी से काम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की और ईमानदारी और दयानतदारी को अपना खासा रखा। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ को अपनी कारोबार में, अपनी आम जिंदगी में इसको इस्तेमाल करें, इस पर अमल करें ताकि उनकी तालीमात का अक्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र आए। टैक्स के मामलात भी ऐसे ही हैं। टैक्स मुकम्मल ना देना, आधा टैक्स देना, गोशवारा सही फाइल नहीं करना, ये भी बेईमानी के ज़मरे में आता है और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी है। लोग बड़े जोश व खरोश से रबीउल का महीना मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए उनको, क्योंकि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी कायनात के लिए जो तालीमात छोड़ी हैं वो हम सब के लिए मशरे राह हैं। किसी को कारोबार में उसकी गाइडेंस मिलती है, किसी को आम ज़िंदगी में उसकी गाइडेंस मिलती है। ज़रूरत इस बात की है कि उनसे हम फ़ायदा उठाएं और उनसे मुस्तफीज हो सकें। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ हम इसको सही सिम्त में ले जा सकते हैं। पनामा और पैराडाइज लीक के बाद अब ज़रूरत इस बात की है कि एक वाज़े टैक्स निज़ाम और भरपूर टैक्स निज़ाम वज़ा हो ताकि पाकिस्तान के एक्सचेकर में टैक्स का पैसा आ सके और डॉक्यूमेंटेशन भी हो सके। पाकिस्तान का असल मसला डॉक्यूमेंटेशन का है। डॉक्यूमेंटेशन होगी तो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत होगा। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है साबका सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब अब्दुल्ला ज़की साहब को। ब्रेक से वापस आके बात करते हैं अपने मेहमान से। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सही डिक्लेरेशन गोशवारे टैक्स दाखिल करने में बहुत अहमियत है। आप अगर अपना सही टैक्स गोशवारा दाखिल करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है, क्योंकि अगर आप गलत या कम गोशवारा दाखिल करते हैं तो ये बेईमानी के ज़मरे में आता है। और अब ये हमने जो बात की थी कि हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि आप जो हैं अपनी ईमानदारी से और दयानतदारी से अपना कारोबार करें। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है कराची चैम्बर के साबिक सदर अब्दुल्ला ज़की साहब को। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि बिजनेसमैन के क्या मसाइल हैं, उनका क्या वर्जन है, ताकि ये निज़ाम, इसलिए कि दोनों स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट भी और बिजनेसमैन भी, इस निज़ाम को इसी इनके दोनों के बहामी रजामंदी से आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत हो सके। अब्दुल्ला ज़की, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आप ये बताएं, आपके ख्याल में, आप क्योंकि चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे हैं और काफ़ी आप दूसरी एसोसिएशन में भी हैं, तो क्या पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में क्या बुनियादी चीज़ें ऐसी तब्दीली लाने की ज़रूरत है जिससे टैक्स निज़ाम एक मजबूत और एक मतलब लोग आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू अनवर साहब। मैं समझता हूँ कि देखें, सिम्प्लीफिकेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ये ऊपर से लेकर नीचे तक आता है कि आपकी लीडरशिप क्या कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बिज़नेस कम्युनिटी अपनी हद तक कोशिश करती है कि इन चीज़ों को सही रखे। यकीनन देखें, काली भेड़े हर जगह हैं जो प्रॉपरली चीज़ों को डिक्लेयर नहीं कर रही होती। मगर मेरा सवाल ये है कि अगर आप देखें कि यहाँ पर टैक्स इवेडर्स जो हैं वो कहाँ ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज़ अगर सही हो, अभी रिसेंटली आप देखेंगे अगर उन्होंने एक 338 अगर आपने देखा हो SRO निकाला हुआ देखा है, उसमें स्पेशल पावर्स जो दिए हुए, तो एक हरासमेंट सा, जब आप किसी को डरा के कोई चीज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ वो चीज़ मुमकिन नहीं होगी। जब तक आप उसको फैसिलिटेट करें, एक अच्छा इन्वायरमेंट दें, तो एक जब एक टैक्स पेयर को जो नॉन टैक्स पेयर जब देखता है तो वो टैक्स नेट में नहीं आता। आप देखें जब 20-22 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक्टिव टैक्स पेयर जो है 1.2 मिलियन है, विच इज़ आई थिंक बहुत
अच्छी बात। देखिए हमने ये तो बहुत बात की और हाँ। बहुत से हमारे दोस्त आए चैम्बर से, उन्होंने भी बात की, वो भी चाहते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो गवर्नमेंट की शिकायत ये होती है कि हम कोई भी स्कीम लाते हैं, कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करते, राधर देन उस पर एजिटेशन शुरू हो जाता है और वो कहते हैं कि जी ये पॉसिबल नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, हम कैसे, हमारे लिए तो फिजिबल नहीं है, तो ये क्या वो वर्जन है? वही मैंने जो आपसे बात की कि जब तक एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं देगी गवर्नमेंट, आप देखें FBR के पास डाटा है मैं समझता हूँ 40 लाख लोगों का जो उन्होंने आज से 5 साल पहले इकट्ठा किया, उनको टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया गया? ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे मेरे ख्याल में थे जो ब्यूरोक्रेट थे, जिनके 2000 गज के बंगले हैं उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और उनकी डिक्लेरेशन नहीं है। सही है। तो अगर टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी, और जब तक हरासमेंट रहेगा तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होगा। चैम्बर के कितने मेंबरान हैं? चैम्बर के तकरीबन जी 21,000 मेंबर्स हैं। आपके जो मेंबर्स हैं उनकी वो आप क्वालिफिकेशन है कि NTN होना चाहिए? बिल्कुल NTN होना चाहिए। टैक्स रिटर्न फाइल करना भी क्वालिफिकेशन? बिल्कुल जी, टैक्स रिटर्न जब तक सबके नाम बिल्कुल ATL पे हैं। बिल्कुल है, और लास्ट रिटर्न जब तक उसकी फाइल नहीं होती हम उसको मेंबर नहीं बनाते अपना। अच्छा, तो ये एक नहीं, लेकिन आप वो एक्टिव टेस्टेबल लिस्ट देखते हैं जो? बिल्कुल, इसको बिल्कुल फॉलो करते हैं। अच्छा। और रेगुलरली हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं कराची चैम्बर में जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं। देखिए जब तक एक अवेयरनेस नहीं होगी, आप देखें लोग जो एक सिस्टम को जब तक इजी नहीं करेंगे, यहाँ पर होता ही है कि FBR जब कोई निज़ाम बनाती है तो टैक्स पेयर को ऑन बोर्ड नहीं लेती, जबकि जिसने टैक्स देना है अगर आप उसको ऑन बोर्ड लेके कुछ चीज़ें डिस्कस करके और उसका फॉर्म डिज़ाइन करें तो आई थिंक इजी होगा हर एक की। जब तक अवेयरनेस आप देंगे नहीं, वो एक फॉर्म फिल करेगा, वो हाफ फॉर्म फिल करेगा, बिल्कुल इनकम्प्लीट होगा। टाइमली चीज़ें जब डिक्लेयर नहीं, अब देखें डेट्स पर डेट्स बढ़ रही हैं, इसका रीज़न क्या है? इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसको आगे लेके चलना चाहिए, सिंप्लीफाई करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि FBR के एंड पे प्रॉब्लम ज़्यादा है या टैक्स का निज़ाम कुछ कमज़ोर है या क्या लोगों ने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है? ना, आई थिंक कि इसमें बिजनेस कम्युनिटी की भी यकीनन कहीं गलतियां हैं ज़रूर। सही। कि उस चीज़ को फॉलो नहीं, जैसे आपने बात की कि बहुत सारी चीज़ें जब अनाउंस होती हैं तो प्रॉपरली उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। बात सही है आपकी। अब वही मैं दोबारा बात रिपीट बार बार आपसे कर रहा हूँ, हरासमेंट, ये हरासमेंट ख़त्म करना चाहिए। आप देखें ना, जब गवर्नमेंट के लेवल पे जब इतने केसेस आपके सामने आएंगे कि उनकी डिक्लेरेशन कुछ और हैं और उन्होंने शो कुछ और किया हुआ है और उनकी चीज़ें कुछ और हैं, तो ये नीचे जो निज़ाम है नीचे तक कैसे पहुँचेगा? सही है। एक बिजनेसमैन देखता है कि यार मैं शराफत से हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होकर काम कर रहा हूँ मगर मुझे वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही जो कि एक सरकारी ऑफिसर को दी जा रही है जबकि वो टैक्स भी नहीं पे कर रहा। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो आपका कहने का मकसद है कि टैक्स जो बिजनेसमैन है वो उसको टैक्स देने में कोई कबाद या इतराज़ नहीं है, उसको सर फैसिलिटेट किया जाए, फैसिलिटेशन की इशू है, सिर्फ फैसिलिटेशन का इशू है जिसकी वजह से ये निज़ाम इस तरह। अब हम देखते हैं, देखें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अगर आप देखें 2001 का, तो उसमें जो चीज़ें वज़ा हैं उसमें ऑडिट के हवाले से चीज़ें वज़ा हुई। अब जब भी केस ऑडिट के लिए सेलेक्ट करते हैं लोग कहते हैं ऑडिट क्यों होगा, तो मतलब ये जो चीज़, ये टेंडेंसी है कि अगर मैंने कोई गुशवारा दाखिल कर दिया है तो ये सिंप्लीफाइड पहले असेसमेंट होता था तो बस उसके बारे में उसे पूछे हो नहीं मुझसे, तो ये जो टेंडेंसी है ये बढ़ते बढ़ते अब ऐसी हो गई है कि जनरेशन से जनरेशन में ट्रांसफर कर गई है, अब लोग रिकॉर्ड भी नहीं रखते हैं। बहुत अच्छा आपने पॉइंट ये रेज किया। बिल्कुल जी, इसमें एजुकेशन की कमी थी मैं समझता हूँ कि जो पुराने लोग थे वो पुराने अपनी पुरानी बड़ी किताबें होती थी उसमें खाते बनाते थे, अब कंप्यूटराइज सिस्टम शुरू हुआ है तो ये आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ी, जो आगे हमारी जनरेशन इंशाल्लाह आएगी मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा पढ़ी लिखी आएगी तो मज़ीद इस पर शिफ्ट होगी, मगर निज़ाम वही, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप देखें ना यहाँ पर मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि गवर्नमेंट टैक्स नेट को इजाफा करने में क्यों नहीं आगे बढ़े, सिर्फ टैक्स पेयर के ऊपर क्यों बोझ डाला जा रहा है? अगर टैक्स नेट में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। अभी देखें RD का जो इशू हुआ, रेगुलेटरी ड्यूटी जो 731 आइटम पर लगाई गई, एक किसी का माल अगर पोर्ट पे पड़ा हुआ है और वो सुबह देखता है अखबार में आ गया 731 आइटम पे RD लग गई, 50% की RD। के खिलाफ बोल रहे हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि टैक्स का पाकिस्तान का निज़ाम कैसे बेहतर होता है। हमारा एक सेगमेंट है दुनिया टैक्स की, इसमें आज हम आपको सिंगापुर लेके जा रहे हैं जहां हमारे टीम ने एक पैकेज बनाया और हम बताएंगे कि वहां पे टैक्स निज़ाम कैसा है और कैसे वो निज़ाम जो है आम आदमी को फैसिलिटेट कर रहा है। आइए देखते हैं पैकेज। सिंगापुर
सिंगापुर जनूबी मशरकी एशिया में एक छोटा सा मुल्क है। अक्वामे मुत्तहदा के मुताबिक सिंगापुर की आबादी तकरीबन 6 मिलियन के करीब है। ये मुल्क कारोबारी लिहाज से एक बहुत बेहतर और स्टेबल इकोनॉमिकल मुल्क समझा जाता है। सिंगापुर में करप्शन फ्री एनवायरनमेंट, अशिया खुर्दनोश की मुनासिब कीमतें और बेरोजगारी बहुत कम है। सिंगापुर की इकोनॉमी एक्सपोर्ट, फार्मास्यूटिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पर इन्हिसार करती है। सिंगापुर की हुकूमत प्रोग्रेसिव टैक्स निजाम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए अवामुन्नास से 2% से 22% तक इनकम टैक्स वसूल करती है, जबकि सेल्स टैक्स की मद में 7% टैक्स वसूल करती है। कंपनियों पर लागू होने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स 17% है। सिंगापुर की हुकूमत अपने शहरियों को हर चीज पर रिलीफ फराहम करती है, जिसमें वर्किंग मदर चाइल्ड रिलीफ, पेरेंट्सहुड इंसेंटिव, एड्यूसिव पीपल फंड्स, कम्युनिटी हेल्थ असिस्ट स्कीम और मेडी फंड्स शामिल हैं। लेकिन आपने देखा कि ये सिंगापुर का टैक्स निज़ाम किस तरह लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, और यही हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम भी आने वाले वक्त में